तो कौशल किशोर भैया इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है। भैया ने पहला यूएचपी का वर्कशॉप जुलाई 21 में किया था, और भैया भागीदारी भी कर रहे हैं मॉडरेशन एंड प्रिपेयरिंग समरी ऑफ वीकली मीटिंग कंडक्टेड फॉर टीचर वॉलंटियर्स। तो भैया मास्टर ट्रेनर ट्रेनर हैं मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान में। तो भैया आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दीदी। नमस्ते नमस्ते सभी को। मेरा नाम जैसा बताया कौशल किशोर भूटालिया है और एयरफोर्स में मैंने 1975 से 1996 तक सर्विस की है और स्वेच्छा से 96 में मैंने एज ए जूनियर वारंट ऑफिसर नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, फिर एक कॉलेज में भी एज ए डायरेक्टर रहा हूँ 1 साल तक। इस तरह मेरा सर्विस रही है। मेरा राजानंद संस्थान के साथ भी जुड़ना हुआ है बीच में, तो वहाँ पर भी वॉलेंटियर के रूप में जितनी भी उनकी गतिविधियाँ होती थी वो 2016-17 से मैं उसमें भाग लेता रहा हूँ। उसी बीच में ये यूएचवी का कंटेंट के साथ 2021 जुलाई से ऑनलाइन सत्र से शुरुआत हुई। सभी जो मास्टर ट्रेनर्स थे वहाँ उनको ये कंटेंट्स के साथ कोर्स कराया गया ऑनलाइन, तो उसमें मैंने भाग लिया और तभी से मैं 2021 जुलाई के बाद जो सितंबर में सत्र शुरू हुआ था मॉर्निंग सेशन, तब से मैं जुड़ा हूँ। और मॉर्निंग में मैं कोशिश तो दोनों सत्रों को ज्वाइन करने की करता हूँ, इंग्लिश भी सुनता हूँ और हिंदी में भी सुनता हूँ। और बहुत सारी और सी और गतिविधियाँ जो भी हो रही हैं मध्य प्रदेश में, स्कूल एजुकेशन में जो काम हो रहा है उसमें मेरी सहभागिता रहती है। पिछले 2 सालों से हम शिक्षकों को ट्रेन कर रहे हैं, उसमें मेरी भानी भैया, वंचना दीदी, मोहित भैया, वो सब लोग, पूरी टीम आई आती रही है और उन शिक्षकों को ट्रेनिंग में मेरी भी सहभागिता रही है। बीच में UHV 2, UHV 3, गोपाल भैया को सुनना, श्याम भैया की भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सुनना, वो पिछले साल तो पूरा इसी में गया है। मैं ये इस पे ज़्यादा काम करता रहा हूँ और इसके साथ साथ ये मॉर्निंग सेशंस है, इसने हर एक सेशंस को मैं जुड़ा हूँ और हर एक में कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिला है, नई समझ बढ़ी है, अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। तो अगर हम स्टेप्स को देखें, अभ्यास 1 और 2 को, तो अभ्यास 1 में जो पहला स्टेप है वो इस जो 11वां जो बैच मैंने ज्वाइन किया है, तो सच में कहूँ तो अभी मुझे ये एहसास हुआ है स्टेप 1 का, कि जो इसमें जब सजगता बढ़ी है तो बाकी स्टेप अपने आप होने लगे हैं। शुरू में एक्चुअली क्या होता था कि जोर दे करके ध्यान देना पड़ता है कि अवेयर रहना है, अवेयर रहना है, ऐसा करके, तो अपने को वो निर्देश टाइप देता था, पर उतना आराम में नहीं होता था। इसमें रिएक्शन होता था कि ध्यान रखना है और अभी नहीं ध्यान रख पा रहा हूँ, अभी मैं स्लिप हो गया हूँ, इस तरह। लेकिन इस सेशंस में मैं देख पा रहा हूँ 11वें जो बैच में, कि ये अब थोड़ा सहज होने लगा है। मतलब जो अभी शर्मिला दीदी बार बार कहती थी बस सजग रहना है, सजग रहना, लेकिन एक्चुअल सजग रहने का वो मतलब नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि वो खुद दिख नहीं पा रहा था। तो अब ये सहज ही होने लगा है, मतलब उसमें ज्यादा कुछ जोर या कुछ डालने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जब हम ये यहाँ थोड़ा जो मेरे में कंफ्यूजन होता था, ध्यान देना है और अवेयर होना है, इन दो का जो फर्क था वही दिक्कत दे रहा था। अवेयर होना, सिंपली अवेयर होना है, बस देखना है, तो वो देखने का काम इस बार थोड़ा ज्यादा बेहतर होने लगा है। बाकी शेयरिंग में भी मैं कहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन इस बैच के बाद बिल्कुल ये देखने लगा अभी यार रह रहा हूँ।
अभी रहने का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी बढ़ गई है। और जब अपने विचार भाव संस्कार वो भी अब सहज ही देख पा रहा हूँ, कि उसमें ये नहीं कि अभी भाव को देख रहा हूँ, अभी विचार को देख रहा हूँ, अभी संस्कार को देख रहा हूँ, वो एक अपने आप सीक्वेंस में अपने आप ही होने लगा है। तो ये मुझे खास उपलब्धि हुई है इस 11वें बैच से। बाकी दो और तीन स्टेप में जो अपना मूल्यांकन भी, जब ये पहला स्टेप जब तक नहीं हुआ था तब तक ये जो स्टेप है अपना स्वयं जो मूल्यांकन के, वो भी उतने नहीं हो पा रहे थे। तो इसके कारण ये जो पहला स्टेप जब क्लियर हो गया है, अवेयरनेस सहज ही होने लगी है, तो फिर ये जो अपना मूल्यांकन भी होने लगा है। और फिर स्टेप 5 में जो निर्णय का आधार है, मान्यता है या सही समझ है, वो भी आसान हो गया है। ऐसा नहीं कि हरदम सही समझ से ही मैं रह रहा हूँ, निर्णय ले रहा हूँ। हाँ, मान्यताएं बीच बीच में आ रही हैं, लेकिन वो ज्यादा उनका पता चल जा रहा है कि हाँ, अभी हमारा जो जो निर्णय है वो इसका आधार बदल गया है। और स्टेप 6 को देखें तो वो सहज स्वीकार, जो संबंध व्यवस्था और सहजता का भाव है, ये भी दिखने लगा है। ये नहीं कि हर समय ये रहता है, हाँ ये कह सकता हूँ कि हाँ वो अभी दिखने लगा है। तो और स्टेप 7 में, ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टेप है, तो जब जब वो भी ये समझ में आने लगेगा, जब भी हम संबंध व्यवस्था और सहजता के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर पाता हूँ तो सुखी रहता हूँ। और इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, मीन्स ज्यादातर समय में संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को के अर्थ में रह रहा हूँ, और सुख का जो पीरियड है, सुखी होने का पीरियड है, वो बढ़ गया है। उसमें ज्यादा अभी उलझन या ज्यादा कुछ तनाव या कुछ नहीं रहता है, नॉर्मल सहज हो गया है सारा कुछ। और अगर हम स्टेप 2 की बात करें, अभ्यास 2 की बात करें, तो अभ्यास 2 का जो बेस है, अभ्यास 1 और 2 में पहला जो स्टेप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसका एहसास हो जाना, ये एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है, जो कि कुछ हद तक होने लगी है मुझे। क्योंकि जो अभी तक अभ्यास था शरीर मान के जीना, वो बीच में बहुत बार स्लिप होते थे, उधर चले जाते थे, लेकिन हाँ अब मैं कह सकता हूँ कि ये वास्तविकता दिखने लगी है, काफी हद तक दिखने लगी है, जिससे जो बाकी चीजें थी शरीर के बीच के, जो संवेदनाओं का आदान प्रदान वो भी दिखने लगा है, और जो सूचनाएं हम दे रहे हैं ले रहे हैं उसमें भी फर्क आया है। तो अब संवेदना से अलग हूँ, हाँ ये भी, ये कभी कभी जब संवेदना में कोई शरीर में संवेदना मिलती थी या उठती थी, या बाहर से कोई ऐसी बात आ जाती थी, तो उसमें जो बहने वाला काम होता था कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ, ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। और सबसे बड़ा जो फायदा हमें स्टेप 5 में हुआ है, कि संवेदनाओं को जो अर्थ देना था वह मुझे ज्यादा परेशान करता था। सूचनाएं जिनको बिना जाने मान लेता था, जैसे शरीर में कोई दर्द वाली समस्या है, या बाहर से कोई सूचना आई है, बाहर से कोई इंफॉर्मेशन जैसे मिलती थी कि जैसे किसी का के साथ दुर्घटना हो जाना या इवन मृत्यु हो जाना, तो उसको बहुत दूसरे तरह से लेता था, कभी कभी तो अपने साथ जोड़ के उसको परेशान होता था। तो वो अभी समझ में आने लगा है कि अर्थ में किस आधार पर दे रहा हूँ, अपने संस्कार के आधार पर दे रहा हूँ, और इसका काफी जो है अभी इसमें सुधार हुआ है। और शरीर और मैं, ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, और इसके
इसको मैं अलग अलग देख पा रहा हूँ, दोनों के लिए शरीर का जो पोषण संरक्षण और यूटिलाइजेशन है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, यह भी देख देख पा रहा हूँ। स्टेप सिक्स में संस्कार को देखने लगा हूँ कि उसका आधार क्या है। जब भी ये जो है मान्यता पर आधारित होते हैं तो मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, और जब सही समझ पे आधारित होते हैं तो वो प्रतिक्रिया नहीं होती है। और फिर अगर सेवेंथ को देखें कि मेरा शरीर का होना सुन के सह अस्तित्व में है, हाँ इसमें भी अब सुधार हो गया है। तो ये कभी कभी दिखने लगा है, ये पहले तो बिल्कुल ही इसमें ज्यादा सुधार नहीं था कि वो मानना नहीं पा रहा था कि वो ऐसा है, लेकिन हाँ अब ये शून्य को भी देख पाता हूँ, सहस्तित्व को देख पा रहा हूँ, और जो भी सारी जो यूनिट्स हैं, सारी इकाइयां हैं, वो भी शून्य में है, ये होने लगा है। हाँ ये नहीं कि वो हरदम होता रहता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ होने लगा है। और इसकी भी मतलब एक निर्णय सा बन गया है कि हाँ ये है, इसको मैं स्वीकार कर पाया हूँ, इसको स्वीकारने लगा हूँ। और अगर हम देखें कि सुख मेरा स्वभाव है, यह है अब काफी काफी समय तक रहने लगा है, ये नहीं कि हरदम रहता है। और ज्यादातर समय में जो है समझ को बढ़ाने में लगा रहा हूं, जैसे कि इस कार्यक्रम से जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें मैं जुड़ा हूं, तो जब से मैं इसमें सहभागिता करने लगा हूं तब से ये गति और बढ़ गई है। और इसमें शरीर के लिए मैं एक बहुत ही सेल्फ रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल है, और बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज की मुझे जरूरत महसूस नहीं होती है और ना मैं यूज करता हूँ। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह भी करता हूँ, प्राणायाम ध्यान भी करता हूँ, वो सब करता हूँ, और खान पान वगैरह आहार विहार वो सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उस तरफ ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एक नियमित दिनचर्या के तहत होता जा रहा है और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और दूसरा, ये स्वयं के लिए जो काम करना है उसको मैं समय दे रहा हूँ, काफी समय दे रहा हूँ। तो और जो कमिटमेंट वाली बात है, तो कमिटमेंट अभी काफी समय दे रहा हूँ, जैसे कि पिछले साल भी 23 में करीब करीब 600-700 शिक्षकों का जो ट्रेनिंग हुआ था उसमें मैं 15 दिन भानु भैया और ये पूरी टीम के साथ में उसमें सहभागिता किया था। दूसरी बार 24 में भी इसी तरह मैंने 15 दिन वहां लगाए थे। रिफ्रेशर जो 8 दिन का हुआ था उसको भी किया था। तो इस तरह वो चलता जा रहा है। और स्कूल्स में जो डिस्ट्रिक्ट में ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं जिनमें ये कोर्स चल रहा है उनको विजिट करना, उनकी जो भी कंटेंट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसको उसमें भागीदारी करना, वो फिर दो मीटिंग्स होती हैं बुधवार को, हमारे जो रिफ्रेशर किए हुए हैं उनको उनकी समझ बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको करते रहते हैं, उसके साथ भी जुड़े रहते हैं। तो इस तरह ये है कि मेरा जो समय का विभाजन है वो परिवार के साथ उतने ज्यादा कमिटमेंट से नहीं है, बेटा सेटल्ड है और ग्वालियर में ही है तो वैसी दिक्कत नहीं है, अतः मैं ज्यादा से ज्यादा समय दे पा रहा हूँ। और जिसमें सहभागिता मेरी अब ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण स्वयं को मैं भी उससे फर्क पड़ने लगा है। मुझे ये तो निर्णय बना है कि यह एक काम करने लायक काम है और मैं एक इसको कर रहा हूँ, और जितना भी समय मिल रहा है मैं पूरा दे रहा हूँ इसके लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही शेयर करना था।
नमस्ते जी नमस्ते कौशल जी। नमस्ते दीदी नमस्ते। हर बार मैं आपकी शेयरिंग सुनती हूँ तो मुझे वही ध्यान आता है कि आप इतना सब कर पा रहे हैं। आप सबको अपनी एज बताएंगे थोड़ा, आपकी उम्र? हाँ मैं 70 में रन कर रहा हूँ, 69 पूरा हो गया है। तो हम सब देख ही सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि आज इंग्लिश की शेयरिंग में भी इला जी की शेयरिंग थी, और अभी हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है, ऐसा नहीं है कि हमारा रोल घट जाता है सोसाइटी में। इनफैक्ट जैसे जैसे हमें ये दिखता है कि ये महत्वपूर्ण काम है, तो हम किसी भी उम्र में हो ये काम को हम कर सकते हैं। और जैसे कि कौशल जी की शेयरिंग से मालूम पड़ा, बहुत स्थिरता के साथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में वो लगे हैं, और अपने में काम करते हुए बाहर भागीदारी भी बहुत अच्छे से अपनी कर पा रहे हैं, और ये हम में से हर कोई कर सकता है। ये जो पॉसिबिलिटी है, शुरुआत में लगता हो कि हम अपने में ही काम करते रहेंगे तो बाहर कैसे होगा, या बाहर समय देंगे तो अंदर का छूट जाएगा, बट सही मायने में देखें तो ऐसा नहीं है। जितना जितना हम सही मायने में अपने अंदर देखने का काम करते हैं, ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, उतना उतना हमारा जो समय इधर उधर जाता था, अपने विचारों में खो जाना होता था या विचारों में उलझ जाना होता था, वो सब कम हो जाता है, और बाहर जो करने का काम है वो भी बहुत स्पष्ट तरीके से दिखता है। जैसे कौशल जी ने कहा कि बाहर भी काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, एक सहज ढंग से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही अपने अंदर सहज हो गए, हम ही अपने अंदर आराम में आ गए। तो फिर एक्चुअली प्रॉब्लम बाहर तो था नहीं, प्रॉब्लम तो हमारे अंदर का था, क्योंकि हमारा सुख या दुख बाहर पर निर्भर नहीं है, हमारे अंदर निर्भर है, हमें निर्भर है। तो जब वो बात क्लियर हो गई और हमने अपने अंदर की स्थिति को ठीक कर लिया, तो फिर बाहर के जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम क्रिएटिवली उनका सल्यूशन देख पाते हैं और उस काम में आगे बढ़ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रही कौशल जी की शेयरिंग, और आप ऐसे ही अपना योगदान करते रहें, अपनी भागीदारी निभाते रहें। आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी शुभकामना। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, नमस्ते।